नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र के गांव में दलित शिक्षक के साथ गैंगरेप की घटना में पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तारी न करने से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ छात्र नेता जहां मामले को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वहीं आने वाले दिनों में छात्र नेता इसे बड़े आंदोलन का रूप देना चाहते हैं। आपको बता दें कि दलित होने के कारण पहले से यह मामला चर्चा में है और इस मामले को लेकर अब सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। बता दें कि रानी की सराय थाना क्षेत्र में कोचिंग से लौट रहे शिक्षिका को अगवा कर गैंगरेप किया गया था। इस मामले का पुलिस ने कुछ दिन बाद ही खुलासा कर घटना को फर्जी करार दिया था। इसके बाद से ही विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। पहले स्थानीय लोगों ने जुलूस निकाल कर इसका विरोध किया, फिर सीएम और डीजीपी को पत्र भेजा। शासन ने मामले को संज्ञान में ले लिया तो दोबारा जाँच शुरू हुई, लेकिन पुलिस अब तक एक भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। लगातार आंदोलन से पुलिस भी बैकफुट पर नजर आ रही है। आने वाले समय में चुनाव है, छात्र सेना किसी भी कीमत पर बीजेपी सरकार को दलित और पिछड़ा विरोधी साबित करना चाहती है, इसलिए छात्र सेना इसे बड़े आंदोलन का रूप देना चाह रही है। कारण कि पुलिस अब तक इस मामले में कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। पुलिस सूत्रों की माने तो यह काम उनके लिए आसान भी नहीं है, कारण कि पीड़ित उनके होलिये से ज्यादा कुछ बता नहीं पा रही है। केवल खुलिए के सहारे उनकी गिरफ्तारी मुमकिन होती नहीं दिख रही है। वहीं छात्र सेना ने इस मामले में निरंतर आंदोलन कर रही है, धरना प्रदर्शन कैंडल मार्च भी हो चुका है। बातचीत में छात्र नेता लालजीत यादव ने बताया कि हम लोग एसआईटी की जांच चाहते हैं ताकि मामला खुल सके। और क्या कुछ कहा छात्र नेता लालजीत यादव ने, जरा आप भी सुनिए। मेरा नाम लालजीत यादव, छात्र नेता सिवली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़। हम लोग धरने बैठे हैं। हम लोग कई एक बार और डीएम साहब को जो रानी सराय घटना है गैंगरेप वाला, उस मामले को लेकर के हम लोग डीएम साहब से एक बार ज्ञापन दिए, धरना किए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं। शासन प्रशासन एकदम कोई कार्रवाई करने का नाम नहीं ले रहा। हम लोग एसआईटी जांच की मांग के महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन भेजे कि जो है कि इसकी एसआईटी जांच करवाई जाए और जो दोषी लोग हैं उनको जो है कि ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग इसको लेकर के जो है कि उनसे मिले, कप्तान साहब से भी मिले थे। कप्तान साहब भी ने कोई कार्रवाई की, कप्तान साहब कह रहे थे कि अभी इसकी जांच करवाई जाएगी, जब जो दोषी मिलेंगे उसको जो है कि सजा दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमको लग रहा है ऊपर से जब दबाव पड़ रहा है इनके ऊपर जो है कि शासन प्रशासन के ऊपर कि आप मत कार्रवाई करिए। कार्रवाई करने का अगर मतलब वो रहता तो ये लोग कार्रवाई करते। जो है कि उस जो गैंग रेप किए जो लड़के, उनके गाड़ी फोर व्हीलर थी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में बीजेपी का झंडा लगा था, इसलिए पूर्ण रूप से साबित होता है कि ये भाजपा पार्टी के ही लोग थे। इसलिए जो है कि बीजेपी पार्टी का दबाव है, ये लोग जो है कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेकर के हम लोग उस बहन के लिए, उस बिटिया के लिए, न्याय के लिए आज हम लोग धरने बैठे हैं। अगर यह कार्रवाई जो उसके साथ न्याय नहीं होता है तो बृहद आंदोलन करने के लिए हम सभी छात्र संगठन के लोग जो है कि बाध्य होंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।